गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पार्ट टू की, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, इसके ऊपर आपने पिछली बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रखे थे। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है वो पहला लेक्चर जरूर अटेंड करें इसका, राइट। इसके पहले वाला आइडेंटिटी पार्ट वन, राइट, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, राइट। तो चलिए आज ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों अटेंडेंस लगा लीजिए, लाइक कर लीजिए, फटाफट सेशन लाइक करिए, ठीक है। काफी दिनों के बाद क्लासेस हो रही हैं, राइट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, राइट, ओके। चलिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को दौड़िए फटाफट। तो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन पर हम बात करेंगे। ये आपने पढ़ लिया, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने करे थे। तो आज हम बातें इसके ऊपर ना करके हम दूसरी आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरी तीसरी दोनों एक ही तरीके का आइडेंटिटी था, राइट। क्या था देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसमिकाएं, राइट। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सर्वसमिकाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने sec थीटा के बारे में पढ़ा था, sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस tan थीटा भी आपने पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है। तो ध्यान रहे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या पढ़ा आपने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब आएगा पी स्क्वायर। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी बी स्क्वायर है, कैंसिल किया जाए तो ये वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर हमने कर दिया, बिल्कुल बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का रोल किस तरीके से है, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो जरा इसको गौर से आप देखो, तो आपको ये कुछ इस तरीके की बातें समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम sec थीटा को a एज्यूम कर लें तो ये a स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और tan थीटा को अगर हम b देखते हैं तो ये मुझे, ठीक है, b स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज है, ये भी आपने पढ़ रखा है। क्या था ये, a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कहूं ये x है, तो इसके बारे में डेफिनेटली आप मुझे बताओगे कि ये वन बाई एक्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत हेल्प करने वाला है इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, बिल्कुल सिमिलर फंडा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन आने का मतलब ए प्लस बी वन ब्रैकेट, ए माइनस बी अदर ब्रैकेट, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कितना है, वन है, राइट। अगर इसमें ए प्लस बी को एक्स हम मानते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी क्या है, वन बाई एक्स है। तो इसमें एक ट्रिक्स लिख लीजिए, आगे बहुत काम आएगा, लिखिए इफ, ट्रिक्स लिख लीजिए, इफ sec थीटा माइनस की जगह पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस tan थीटा, अगर इसको आप x ले रहे हो ना, तो ध्यान रहे इसके बीच में माइनस का साइन लगा देना, और इसको क्या ले लेना, वन बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक्स को ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी। इसी से मिलता जुलता अगला आइडेंटिटी पार्ट थ्री देखिए, तीसरा पार्ट आइडेंटिटी का क्या था उसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिमिलर फंडा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर हम कहें कोसेक थीटा है क्या, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए,
माइनस कॉट क्या होता है, आपने कहा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, स्क्वायर एच स्क्वायर कर लीजिए। और बात अगर ध्यान से आप देखें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर है, तो पी स्क्वायर ऊपर भी पी स्क्वायर नीचे भी है, कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या है डन। तो बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही, कोई तकलीफ नहीं है, राइट, इजीली आप ये बात कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी है, तो क्या ये इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सेम फंडा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर वन है तो ए माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या आएगा? वन। बिल्कुल सिमिलर फंडा है। तो वही बातें फिर से मेरे समझ में आ गई कि अगर हम आपसे बोलें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक्स ले लिया जाए, ओके, तो इसके बीच में अगर माइनस का साइन लगाने पे आपको पूछा जाए कि आखिर इसको क्या लिखा जाए, ध्यान रखिएगा कोसेक प्लस कॉट क्या है, अपने का एक्स है, कोसेक माइनस कॉट को क्या लिखा जाए, ये वन बाई एक्स है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के मजेदार फंडे हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका यूज मैक्सिमम है मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में और आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये बातें समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, डन। तो चलिए आगे बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट फंडा देने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट नोट करें प्यारे बच्चों, सब चीज ये बिल्कुल सिमिलर फंडा था, किसकी तरह, बिल्कुल वैसा ही था जैसा आइडेंटिटी नंबर टू था। तो आपने तीन आइडेंटिटी पढ़ लिया, पहली आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी पार्ट वन के लेक्चर में मैंने सिखा रखा है, दूसरी और तीसरी आज हम देखेंगे, लेकिन हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसा मिसलिनियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चौथा फंडा जरा लिख लीजिए, बहुत मजेदार है, इसकी हेल्प से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, भी जबरदस्त लिखिए। अगर मैं आपसे कहूँ ए एक्स प्लस बी वाई, नोट करिए ये एम है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज एम देन बी एक्स माइनस, बीच में देखिए माइनस का साइन कोफिशिएंट बदल दिया मैंने, और ये एन है, तो इससे एक रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इसको स्क्वायरिंग करके अगर हम ऐड करें ना तो ये चीजें हमें क्या मिलने वाली है उसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसलिए इस ट्रिक्स को नोट कर लीजिए, फटाफट पेन कॉपी निकालिए और नोट करिए, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आपने कहा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये चौथा फंडा जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत यूजफुल है, ठीक है, इससे आप आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बीच में माइनस का साइन कोफिशिएंट बदल गया, ए एक्स है तो बी एक्स है देख लीजिए, बी वाई है तो ए वाई है, बीच में प्लस है तो माइनस है, तो क्या लॉजिक आया, आपने ध्यान दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो ब्रैकेट में आपने इन चीज़ों को रखा और इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पॉइंट भी क्लियर, समझ पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, डन। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ज़रा देखिए, जरा इसकी बात कर लेते हैं, अगर हम आपसे कहें कि ये क्या चीज़ होना चाहिए ज़रा बताइएगा हमें, है ना, ठीक है, लिखिए। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर ये एम है, ओके, और आपसे मैं कहूं मुझे बताना पड़ेगा आपको वैल्यू बी साइन थीटा, कोएफिशिएंट बदल दिया, माइनस ए कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट इसके लिए ट्रिक्स लिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी इसमें, याद रखिएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, ओके। तो मैं अगर आपसे बोलूँ इसकी वैल्यू बताओ, तो ट्रिक्स आप लिख लीजिए, क्या आएगा इसका फंडा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू लिख लीजिए फटाफट, लिखिए क्या आने वाला है, लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अंडर रूट लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, राइट, हाँ, ये सब स्क्वायर करके आपको मिलेगा, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और देखिए ध्यान से। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, तो सब कुछ क्या है, कमेंट करके आपको जवाब देना है, ध्यान रहे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और इस फंडे को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, हमने आपको क्या पढ़ाया, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करता हूँ फिर आता हूँ क्वेश्चन पर, राइट। हमने आपको पढ़ाया कि तीन आइडेंटिटी, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन,
दूसरी आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तीसरी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी बातें हमने आपको सिखा दिया है, ओके। इसके ऊपर एक आइडेंटिटी और देखा आपने, कोफिशिएंट चेंज करने का फंडा, ax plus by equal to m, bx minus ay equal to n, then a square plus b square एक ब्रैकेट में x square plus y square अदर ब्रैकेट में equal to m square plus n square। और जरा गौर फरमाइए, a sin theta plus b cos theta अगर m है तो कोफिशिएंट यहाँ बदल दिया, बीच में माइनस का साइन रख दिया, तो उसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बार एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर और टाइम लेते हैं बच्चे, तो ट्रिक्स जरूर नोट करिए, टाइम नहीं लगेगा, ओके। b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू व्हाट, आपने कहा एक कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूं फटाफट कमेंट करके, उम्मीद करता हूं आप सारे लोग हमें जवाब बताएंगे। फटाफट कमेंट करना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी शुरू हो गई, राइट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज 3 देन cot थीटा इक्वल टू व्हाट, कमेंट करिए, शुरू कर दीजिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, ठीक है। अटेंडेंस नहीं लगाते हैं बिल्कुल गंदी बात है, राइट। तो जितने भी लोग जुड़े हैं अटेंडेंस प्लीज लगाने के लिए लाइक जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर है, फटाफट आंसर करना शुरू करिए। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज 3 देन cot थीटा की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। चलिए जल्दी से बताइए, स्टार्ट करिए। sec प्लस tan, याद आया आइडेंटिटी बताई, यूज बताया कैसे करना है, याद आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे। तो फटाफट मैंने आपसे बोला कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई होगी, क्या 1/3, बहुत अच्छे। sec प्लस tan अगर 3 है तो sec माइनस tan क्या होना चाहिए, बता रखा है बीच में माइनस का साइन, तो अगर यह x है तो इसकी वैल्यू 1/x। अब कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, बहुत अच्छे। तो 2 sec की वैल्यू आ गई, अगर घटा दें तो हमें tan मिलेगा और नहीं अगर घटाएं तो मुझे sec मिलेगा। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पढ़ना, आपको ये सिखा चुका हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई इकलौता फंक्शन पता हो तो हम बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप घटाकर जोड़कर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको घटा ही लेता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, घटा लेता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए tan और tan का उल्टा cot होता है, तो मैं इसको घटाने जा रहा हूं, ओके। घटाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, 2 tan थीटा की वैल्यू, tan प्लस tan हो गया ना, साइन बदलता है ना घटाने से, तो 3 माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट किया तो लॉजिक मिला 3 3 9 माइनस 1 8/3, और इस 2 ने आजाद कर दिया तो tan थीटा क्या आया, 4/3। कैसे 4/3 है, ये 2 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। अब cot थीटा हमने पूछा है तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो क्या आया 3/4 tan। तो काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा, नाइस, गुड जॉब। तो काफी लोगों ने बिल्कुल सही, उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चन का भी जवाब बिल्कुल सही आने वाला है आप लोगों से, इसमें बिल्कुल आप गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू कर दीजिए अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, फटाफट जवाब करना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए जल्दी से। cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू का सम जो है 2+√5 है, तो sin थीटा क्या है, अभी अभी बताया, एक क्वेश्चन किया, धज्जियां उड़ाइए, टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस करने में, और आपके एसएससी जेल में ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर आएंगे, राइट। तो cosec प्लस cot है, प्लस दिया तो काफी लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, ऐसी स्पीड हो तो क्या मजा है, राइट, क्या बात है। तो आपने कहा बिल्कुल ये 2+√5, याद आया, ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी लगती हैं, तो आपने कहा ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है, 1/1 में होता है, क्या होता है, 1/1।
ठीक है ना, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। क्या करें, अरे हम जोड़ दें कि घटा दें, आपने कहा फटाफट। देखिए इसको घटाने से नहीं जोड़ने से फायदा है, बहुत अच्छे। जोड़ते समय साइन चेंज नहीं होता, तो आपने कहा 2 cosec थीटा मिल गया, और ये मिल गया 2 + √5 + 1/2 + √5। डन, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंजुगेट से गुणा कर कर काम को आसान बनाया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करके इसके काम को आसान कर सकते हैं, राइट। पॉइंट भी क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे काम कर लेते हैं। तो एक चीज देखिए, 2 + √5 है ना, 2 + √5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 cosec थीटा = 2 + √5। अभी 2 + √5 का देखिए, यहां पे अगर हम कंजुगेट लगा दें इसको, तो 2 - √5, ऐसे कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको नीचे -1 मिला, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √5 - 2 लिख सकते हैं। समझ में आया सबको, कैसे हुआ? आपने कहा ये a+b है और ये a-b है, a+b a-b² - b² 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5। -1 नीचे आया, नीचे -1 आया, ऊपर अब 2 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन बदल जाएगा, तो ये चीज हमें मिल गई। अब 2 से ये 2 कट गया, डन। तो बहुत इजी है, 2 cosec थीटा √5 है, तो cosec थीटा क्या चीज है, क्या चीज है, √5, लेकिन चाहिए साइन, तो साइन थीटा बताने में कोई परेशानी नहीं, इसी का उल्टा होता है। तो आंसर क्या आया, काफी लोगों ने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते आपको, कोई दम नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आइडेंटिटी को ध्यान में रखें, चले आगे, समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है ना। तो दो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, चुटकियों में सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार होगा आपके लिए, दे रहे हैं कि कैसे आप इसका जवाब बताएं, डन करिए फटाफट। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन आया, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब बताते हैं। sin θ + sin²θ = 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos²12θ + 3 cos²10θ + 3 cos²8θ + cos²6θ + 64। चलिए अटेम्प्ट करिए, सारे लोग लग जाइए, पूरी दम लगाइए, देखते हैं कितने लोग। अलजेब्रा सबने पढ़ रखा है, मैंने अलजेब्रा की सारी क्लासेस आपको दे रखी हैं। आइडेंटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे आप, तो लग जाइए काम में, लग जाइए, टाइम नहीं लगता, बिल्कुल उड़ाइए। तो sin θ + sin²θ = 1, देन cos²12θ + 3। तो कुछ ध्यान आया, काफी लोगों को कुछ स्ट्राइक कर गया होगा, क्या पढ़ा आपने, a + b³, याद आया, a + b³ क्या होता था, a³ + 3a²b + 3ab² याद आ रहा है, प्लस कुछ मैचिंग मैचिंग हो रहा है क्या, देख लीजिए कुछ मैचिंग वैचिंग हो रहा है इससे। अगर आप इसको ए क्यूब समझ पा रहे हो, ये 3a² b हो, ये 3ab² हो, एक बार जस करके देखने में क्या हर्ज है, तो ये बातें हम समझ सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है, अगर है तो बातें उड़ाइए। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है, कि क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं। तो जल्दी से, काफी लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया है, तो जल्दी से मैं अगर इसका आंसर आप बता दें तो फिर चार चार लग जाए, फटाफट आंसर बताइए, लेट्स स्टार्ट नाउ, फटाफट बताइए, उम्मीद करेंगे कि आप ट्राई कर रहे हैं और जवाब जरूर बताएंगे इसका। चलिए फटाफट कमेंट करिए, बहुत अच्छे, गौर से देखिए तो ये किसका क्यूब बनाया जाए, अपने ध्यान दिया तो इसको मैं समझ गया कि cos²4θ का ही क्यूब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां से जरा बात को समझा जाए, तो ये क्या समझा रहा है आपको, बी क्यूब क्या समझा रहा है, ये आपको cos²θ का क्यूब समझा रहा है, राइट, cos²θ का क्यूब, बाकी इस तरह ये मैनेज हो रहे हैं, बिल्कुल ये मैनेज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया कि आपको बताना कुछ और नहीं, cos²4θ + cos²θ का
का होल क्यूब है। प्रॉपर देखा जाए तो यही लिखा है, मतलब ये बताना। अब इसको अगर बताना है तो फिर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को यूज में लेना पड़ेगा, राइट। तो चलते हैं जरा यूज में लेते हैं। आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपने, राइट, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता, जरा मैच करा ले मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होना चाहिए। देखिए मैचिंग मैचिंग का काम हम चला रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, तो एक बात मेरे समझ में ये आ रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ना, वो कुछ और नहीं हो तो साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन में बात समझ में आ रही है, राइट। ये लाइन में समझ में आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, राइट। कंपेयर करने पे तो मुझे यही लग रहा है कि केवल साइन थीटा के बराबर है। तो फिर क्या हर्ज है? तो ये चीज समझ में आ गई क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कॉस की पावर फोर थीटा, तो ये कुछ और नहीं है साइन स्क्वायर थीटा है। अरे बताइए क्या होगा? कॉस की पावर फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो ध्यान दिया जाए तो ये चीज साइन स्क्वायर थीटा है। क्यों? अगर हम साइन को स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाए, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। तो जो क्वेश्चन दिया था आखिर मैंने पूछा भी वही है, और इसका क्यूब निकालना है, डन। तो ध्यान रहे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर वन है, ये कुछ और नहीं वन का क्यूब है, मतलब आंसर क्या है? वन है, राइट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के चलना पड़ेगा, बातों को हिट करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो समझ में जरूर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आके डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर अपने आप स्पीड आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं है, ठीक है। स्पीड तो अपने आप बढ़ती है जब आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। चले आगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं? कमेंट करते रहिए, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, राइट। आई थिंक डाउट नहीं आया, चले समझ में आया, ओके गुड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मजेदार क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लंदी भी हो सकता है, तो एक बार ट्राई करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट शुरू हो जाइए, आंसर देना शुरू करिए। थोड़ा सा लंदी प्रॉब्लम्स है, मेंस की पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो लग जाइए काम पर और फटाफट कमेंट कर दीजिए मुझे। कमेंट के थ्रू जवाब बता सकते हैं आप, जल्दी से कमेंट करिए, जवाब बताइए। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू वन, देन कॉस की पावर सिक्स थीटा माइनस फोर कॉस की पावर फोर थीटा प्लस एट कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट। कोई ये परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब बन रहा है क्या? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? सारी चीजें साइन में देकर कॉस में पूछी जा रही हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर बुलाया जाए ना। चलो देख लेते हैं कि ऐसा कुछ है, फायदा मिलेगा। तो एक चीज मिला साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, राइट। और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात बनी नहीं। इसमें साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से मैं ये बात समझ पा रहा हूं वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हमें हर चीज को कॉस में बदलना है, तो ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। तो चीज यहाँ पे आपने देख ली। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मिल गया आपको कि साइन थीटा टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं आई होगी, राइट, पक्का नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं, चीजें समझ पा रहे हैं, राइट। तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को हमने कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम्स है, कि एकाध क्वेश्चन तो मुश्किल बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा सा आइडेंटिटी का एक अच्छा शानदार क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, राइट।
तो साइन थीटा वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें रिजल्ट मिला कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सभी चीजें कॉस में नहीं बदल पाए हम, है ना। मुझे कॉस की पावर 4 भी दिख रहा है, कॉस की पावर 6 भी दिख रहा है, तो एक काम क्यों ना कर लिया जाए। कैसा काम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। तो फटाफट थोड़ा कंसंट्रेशन देखिएगा, लेंदी क्वेश्चन है, मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग, राइट। क्या करने जा रहा हूँ? स्क्वायरिंग, ओके, बोथ साइड। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर मैंने किया तो मुझे इधर मिला साइन स्क्वायर थीटा, मिला, बिल्कुल मिल गया। क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा। और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पावर 2 है, पावर 4 लिखेगा, है ना, 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। एक काम और कर लीजिएगा, काम आसान होगी, साइन थीटा को बदल दीजिए, ये साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। तो आपके लिए अभी होमवर्क है, इतना हिंट मैंने दे दिया, राइट। तो ट्राई करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जैसे मल्टीप्लाइड करेंगे रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक सॉल्व होके 4 ही आएगा, क्योंकि ये 4 दिख रहा है मुझे, राइट। तो एक बार आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा, इसका आंसर शायद 4 हो, एक बार ठीक है कंफर्म कर लीजिएगा, ओके। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंट्री करिएगा ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद माइनस करिए सबको लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में शायद क्या बचे देख लीजिएगा, शायद 4 बच रहा हो मे बी, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसका जवाब क्या आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको ट्राई जरूर करेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आइडेंटिटी को थोड़ा सा लेबल में यूज करना था, डन, चले आगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक आसान क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब करिए। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगेन क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। देन साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फटाफट एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी से कुछ समझ में आ रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab टाइप का है और ये बी स्क्वायर है। कमेंट कर दीजिए, इतना हिंट दे दिया, आंसर बताइए फटाफट, कमेंट करिए, इसका जवाब चाहिए मुझे, राइट। देखते हैं आप क्या जवाब बताते हैं, फटाफट आंसर बताइए, उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल सही जवाब हमें बताएंगे, राइट। चलिए शुरू हो जाइए, इतना हिंट हमने दे दिया, बाकी काम आपके हाथ में है, राइट। आप क्या इसका आंसर बताते हैं क्या नहीं बताते हैं आपको सोचना है। चलिए फिर से आइडेंटिटी याद आई कि ये कुछ और नहीं, यही तो साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए गौर से, और ये अपनी जगह कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो काम खत्म हो गया। अगर इसको आप गौर से देखो तो किसका स्क्वायर दिख रहा है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, ये किसका है? साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या होल स्क्वायर है, जरा गौर फरमाइए, है कि नहीं है? बिल्कुल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो खत्म करो कहानी, साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोला जा रहा है? कॉस थीटा। तो यहां से मैं अगर कहूं ये है क्या चीज, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये क्या है? कॉस थीटा है, और इसका होल स्क्वायर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन है। तो ये चीज क्या है? ये 1 है, ये क्या है? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन था, देख लिया आपने, लेकिन हाँ चीजें थोड़ा सा इंप्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े से आपके आइडेंटिटी के ऊपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, काफी डिटेल में पहले मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, फिर से प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, जवाब हमें चाहिए आपका, हर क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताइए कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी लोगों ने जवाब ट्राई किया है, ठीक है, देने के लिए, ओके। चले आगे बढ़ जाए, चले अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट फटाफट जवाब बताइए, ध्यान रखिए, ये सब आइडेंटिटी के पहले पार्ट में पढ़ा दिया मैंने, उसके बाद थोड़ा पहचान करनी है आपको, पहचान करिए, उड़ाइए क्वेश्चंस को, कुछ भी दम नहीं है। टेन थीटा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? टेन थीटा, ओके, कुछ याद आया, मैंने इस तरीके का एक शॉर्टकट पढ़ाया था, क्या? ए साइन थीटा,
प्लस बी कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये क्या होना चाहिए, आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा कुछ आपको सिखाया गया, अगर है तो ये बात बिल्कुल तय है। गौर फरमाइए क्या है, यही चीज मैंने पढ़ाया था कि ये परपेंडिकुलर की तरह काम करता है, इसका कोफिशिएंट कॉस थीटा का बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ऐसा ट्रिक्स मैंने सिखा रखा है। तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोले, तो ये होना चाहिए हाइपोटेन्यूज, पक्का होना चाहिए कि नहीं बताइए, उम्मीद करेंगे कि बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, इनको जोड़कर आप देखो तो आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही मिलेगा, करके आप देख सकते हो, राइट, बिल्कुल डन है, यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, कुछ है नहीं, इसकी दजियां उड़ाई है, काफी लोगों का कमेंट से जवाब आ रहे हैं, tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, तो खत्म करिए कहानी, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ab, तो बहुत ईजी है, टाइम नहीं लगता, विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं, राइट। सबको समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है, बातें समझ में आ रही, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, लॉजिक सिखा दिया है मैंने। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 17 बाई 13, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, अभी आपको पढ़ाया था, ध्यान रहे क्या पढ़ाया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, वही क्वेश्चन सामने टकराया है एम, तो मैंने कहा कोफिशिएंट चेंज करो, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपको क्या सिखाया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट, याद करिए, ट्रिक्स लगाइए, क्यों लगाइए, क्योंकि ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस की जगह क्या है, यहाँ पर माइनस है, कोफिशिएंट 1 1 है, तो इंटरचेंज करके या ना करके वही बातें समझ में आ रही है। तो फटाफट बताइए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की तरह इसको यूज करिए, तो जवाब आपने दे दिया, फटाफट ट्रिक्स लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है जवाब, कमेंट करिए स्पीड में, कमेंट करिए क्या जवाब आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, अंडर रूट लगाइए, सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, स्पीड में जवाब बताइए, सॉल्व करके आंसर दे दिए, तो आपने कहा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज 2, तो ये 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169, अब ये काम आपका है कि इसको सॉल्व करके आप जवाब हमें बता दें, क्योंकि 169 का जब हम डबल करेंगे ना, तो 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3, 338 माइनस 289 अपॉन 169, अंडर रूट लगा लेना, राइट, तो ये रूट के अंदर है, तो 338 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए, घटाकर क्या आएगा, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, घटाकर इधर से 11 की कमी है, इसको दे दीजिए, राइट, बिल्कुल 11 की कमी है, ये 300 बन जाएगा, इसमें 11 जोड़कर घटा दिया, तो 49, मतलब 49 बाई 169, 7 बाई 13, डन। कमेंट करके जब आप बताना शुरू करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल हमारा इंतजार मत करिए, इनको भी समझ में आ रहा है कि हमें समझ में आ गया, वो तुरंत स्टार्ट कर दें क्वेश्चन की तरफ चलना, राइट, और जवाब जितना पहले आप दे सकते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, कि आप जवाब कमेंट के थ्रू में पहले ही दे दे रहे हैं, सबसे पहले जिनका जवाब आएगा बहुत अच्छा लगेगा उनके जवाब को देखकर, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन फिर से आपके सामने, उड़ाइए उड़ाइए धजियां, याद करिए बीच में प्लस और यहाँ माइनस, हमें आपके जवाब आइए तुरंत चाहिए, तुरंत के तुरंत जवाब चाहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 2/3 गिव्स गिवन, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज क्या है, कोफिशिएंट 1 1 है, तो चेंज दिख नहीं रहा होगा, सेम दिख रहा, कोई परेशानी नहीं, चेंज करें या ना करें कि जैसा, बट हम चेंज कर ही समझते हैं, बीच में माइनस का साइन यूज करते हैं, तो माइनस का साइन लगा लीजिए, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ट्रिक्स लगाइए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4/9, अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट
तो यहाँ पे 2 माइनस 4 बाई 9 अंडर रूट लगाई, 9 दुनिया 18 माइनस 4, 9 दुनिया 18 माइनस 4, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं मुश्किल, कोफिशियंट बदल दिया तो क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आया 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 बाई 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 4 बाई 9, अंडर रूट में बताइए क्या आएगा, तो रूट में जवाब आएगा कोई तकलीफ नहीं है 14, रूट 14 बाई 3, डन। तो मुश्किल लगा? बिल्कुल नहीं लगा, ट्रिक्स याद है तब मुश्किल नहीं है, नहीं ट्रिक्स याद है तो बहुत मुश्किल, राइट आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट कमेंट करिए इसका जवाब बताइए, स्पीड बढ़ा दीजिए, बिल्कुल फटाफट जवाब चाहिए अभी, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज 5, देन कोफिशियंट चेंज है कि नहीं, देखिए बिल्कुल चेंज है राइट, बीच में माइनस का साइन, ट्रिक्स क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर बोलो 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलो 4 स्क्वायर, और एम क्या है 5 का स्क्वायर, ध्यान देखिए तो ये बिल्कुल जीरो आ गया, क्यों 25 माइनस 25 जीरो ही तो होता है राइट, जीरो का अंडर रूट जीरो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सारे मजेदार क्वेश्चन हैं आज के ट्रिग्नोमेट्री के, जबरदस्त क्वेश्चन, आइडेंटिटी का पार्ट आप पढ़ रहे हैं राइट, अभी इसका एक लेक्चर और लेकर आएंगे ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा और हाई लेवल होगा ठीक है, उसमें भी मजेदार क्वेश्चन हैं, और आइडेंटिटी से क्वेश्चन हर बार पेपर में आपसे पूछा ही जाता है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, डन। तो चलिए एक और क्वेश्चन उड़ाई जल्दी से, फटाफट उड़ाई, देखते हैं कितने लोग इसका मुझे बिल्कुल सही जवाब बताते हैं, बातें समझिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन उसमें पूछ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मुझे जवाब बताएंगे ठीक है। चलिए, टेन साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 7 कोसेक की पावर 16 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फटाफट कमेंट करते रहिए, देखते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए, मजा तभी आएगा जब आप थोड़ा सा माइंड अपना यूज करेंगे राइट, तभी आनंद आएगा। तो आइडेंटिटी ही चल रही है, ध्यान से देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, मैंने क्या किया, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, जरा देखिए 6 से डिवाइड करके मुझे ये मिल रहा है, हमको इसकी आइडेंटिटी समझ में आ रही है, राइट हैंड में मैंने 1 बनाने का ट्राई किया, यही मेरा काम है राइट, कि कुछ हमें आइडेंटिटी टाइप का दिखाई दे, तो मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको अगर हम छोटा करें तो ये 5 बाई 3 जैसा है, इसको छोटा करें तो 5 बाई ये 10 है ना ठीक है, और ये 3 बाई, इसको हम बिल्कुल सही, ये आपका 15 बाई 6 है और ये 10 बाई 6 है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, इसको अगर हम 3 से काटे तो ये हमें दे रहा है ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 ठीक है, ये बात बन रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखने में आपको समझ में आ रही होंगी कि यहाँ कुछ और नहीं, अगर मैं इस 5 बाई 3 को इस तरीके से समझू, समझिएगा बात को, यही है मजेदार पॉइंट, यही मजेदार पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए इसको आपको कोसेक स्क्वायर थीटा सोचना पड़ेगा, सोच लीजिए सोचने में क्या है राइट, और ये कॉस स्क्वायर है ना तो इसको सेक बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, क्या ऐसा कुछ है दिमाग में बात आ रही, क्या ऐसा हो सकता है, हैं क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट हमें मिल सकता है, ठीक है देख लेते हैं जरा हैता है ऐसा कि नहीं। तो यहां से एक चीज आप सोचो कि अगर इसको मैं कोसेक समझ रहा हूं ठीक है, हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही है राइट, क्योंकि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा 3/5 है तो यहां से हमें साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल रहा है 3/5, और कोस स्क्वायर थीटा क्या मिल रहा है 2/5, हाँ इनको जोड़ करवाना आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, वेरीफाई हमने कर लिया
कि ये कोसेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, क्योंकि साइन की पावर 4 को अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। वही बात अगर मैं इधर देखूं तो इधर भी हमें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी खत्म होने वाली है क्वेश्चन की, क्योंकि मुझे मिल गया डायरेक्ट कि कोसेक स्क्वायर थीटा 5/3 होना चाहिए और सेक स्क्वायर थीटा 5/2 होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, उसमें रख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या रखेंगे जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर 27 है ना, कोसेक 16, कोसेक की पावर 16 है, तो एक काम कर लेते हैं, कोसेक 5/3 है ना, 5/3 है ये पावर 27, 5/3 ये 6 पावर है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना, ये 6 है, ओके अब सही है, राइट। 27 5/3 स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब लगा लीजिए, पावर 6 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ 8 है और ये क्या है 5/2, इसमें भी क्यूब लगा लीजिए। चलिए कहानी खत्म करिए, 27 से 27 कट जाएगा नीचे वाला और ये 8 से 8 कट जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का क्यूब 125। उम्मीद करते हैं बातें समझ पा गए, कितना आंसर 250, डन। तो आंसर इज 250, इसका जवाब क्या है 250। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड यूज करना था। आइडेंटिटी कौन सी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट ये बनानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी अगर साइन कॉस दिखे राइट हैंड में, अगर 1 बनाने का आप ट्राई करो तो आपको क्या सोचना है, ट्राई टू मेक आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर वो बन पा रहा है तो चीजें बहुत सिंपल हैं, इजीली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद क्लासेस हुई हैं राइट, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है मेरा थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा क्योंकि थोड़ा सा आई एम नॉट वेल, ठीक है, खांसी जुकाम से थोड़ा परेशान हो गया था। तो ठीक है, कोई नहीं, अब फिर से ट्राई करेंगे कि डेली मैं आपको, ठीक है, लाइव क्लासेस दे पाऊँ, ठीक है, एक क्लास तो ट्राई करता हूँ। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं, ठीक है, उतनी एफिशिएंसी से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ राइट, ओके कोई नहीं, बट आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं, हम आपके लिए थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए कहानी यहीं तक है, ख़त्म करते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की कहानी यहीं बाइंड अप करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।